क्यों रो रही हो? मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम हिम्मत करो, अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा। अब मुझे सच बताए, डॉक्टर ने क्या कहा था आपसे? मैं जानती हूँ हमारा बच्चा ठीक नहीं है। अरे बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। तुम परेशान ना हो, चलो घर चलते हैं। खुशामदीद, खुशामदीद, जहे नसीब, जहे नसीब, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बैठो। चेला, चेला। जी बाजी। जा बाजार से एक अच्छी सी मलाई मार के चाय ला, मेरा बचपन का यार आया है। जी बाजी, अभी लेके आई। खैर तो है जिगर गोशी, खैरियत से? आज मेरे अड्डे पे क्यों यार? तेरी मदद की जरूरत पड़ गई है। कैसी मदद प्यारे? मेरी बीवी और बच्चा बहुत सख्त बीमार है और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है, और अगर ऑपरेशन जल्द ना होगा तो उनकी जान भी जा सकती है। मुझे पैसे चाहिए। मतलबी, अरे यहाँ तो सभी मतलबी हैं। आखिर तुझे मतलब मेरे डेरे पे ले ही आया, उस डेरे पे जिसे तू मुआशरे का कलंक समझता था। धंधे पे बैठने की वजह से तूने मुझसे कितनी नफरत की, मुझसे कितना दूर चला गया, भूल गए? मंगी यार, तू मुझे मतलब भी समझ या कुछ भी, मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूं। प्लीज यार, मेरी मदद कर दे यार। मेरी किसी ने मदद नहीं की, पर मुझे पता कि तू मेरी मदद कर सकता। प्लीज यार मेरी मदद कर दे, मुझे 800,000 रुपए की जरूरत है। मेरी बीवी और बच्चे की जिंदगी का सवाल है, मेरे पे एहसान कर दे यार, एहसान कर दे। देख नदीम, गुरुजी कहा करते थे, हमारे धंधे में एहसान नहीं सौदे किए जाते हैं। सीधी सी बात कहूंगा, घुमा फिराकर बात करने की मेरी आदत नहीं। अगर तू ये चाहता है कि मैं तेरी मदद करूं तो तुझे मेरे साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। कैसा एग्रीमेंट? तू तो जानता है कि मैं प्रोग्राम पे डांसर लड़के और लड़कियों को लेके जाता हूं, तुझे भी 1 साल तक मेरे साथ काम करना पड़ेगा। क्या मतलब है? मतलब साफ है, तुझे मेरे साथ हिजड़ा बनके डांस करना पड़ेगा शादी ब्याह पे। यार तू कैसी बातें कर रहा है कि मैं नाचूंगा? मैं तो तुमसे मदद मांगने आया हूं और तुम? देख नदीम, गुरुजी कहा करते थे, हालात की जंग लड़ना पड़ती है, बीवी बच्चे की जिंदगी और 8,00,000
तुम्हारी एक हां की दूरी पे है। मैं मर जाना गुवारा करूंगा, मगर हिजड़ा बन के नाचूंगा नहीं, नहीं नाचूंगा। सोच लो, तुम्हारे लिए हर टाइम मेरे दरवाजे खुले रहेंगे। सारिया, कैसी है अब तबीयत? वर्ष, ठंडी पसीने आ रहे हैं, लगता है बुखार तेज हो गया। हाँ यार, बुखार तो वाकई बहुत तेज हो रहा है। नदीम, एक बात कहूँ, मैं चाहे मर भी जाऊं कोई दुख नहीं, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लेना, मेरे बच्चे को जरूर बचा लेना। अरे हिम्मत क्यों हारती हो? हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। एक तरफ मेरी अना और इज्जत है और दूसरी तरफ मेरी बीवी और बच्चा। या अल्लाह, ये जिंदगी मुझे किस मोड़ पे ले आई है, क्या करूं? अगर पैसों का बंदोबस्त ना हुआ तो नहीं, नहीं, मैं अपने बीवी और बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा। सलाम अलैकुम, कैसी हो? वालेकुम सलाम, आ गए आप, खाना लाओ आपके लिए। नहीं सारिया, मैं खाना खा के आया हूं। नदीम, आपने कौन सा काम शुरू कर दिए? अब तो आप रात को 3-3 बजे घर आने लग गए, करते क्या हैं आप? अरे कुछ नहीं, छोड़ो इन बातों को, ये बताओ मुन्ना कैसा है? नदीम, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? अरे कुछ नहीं छुपा रहा, तुम्हें बताया तो था कि दोस्त के पास जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे जब काम हो जाना पड़ता है, चाहे दिन हो या रात। ऐसा कौन सा काम करते हैं आप कि आपको अब अपनी परवाह भी नहीं है? मेरी बीवी और बच्चा सलामत है ना, मेरे लिए यही काफी है। अस्सलाम वालेकुम सर। शाबाश जोबन बच्चा जोबन, आज तो तू फंक्शन में बहुत अच्छा नाची रे, कल टाइम पे आ जाना तैयार होके, नए फंक्शन पे जाना है। जी सर, ओके। देखा ना, अब कल फिर शहर से बाहर जाना पड़ेगा, मैं फिर लेट हो जाऊंगा।
मेरा दिल चाहता है मैं एक किताब लिखूं जिसका अनवान मर्द हो, मैं फिर उसका सब्र भी लिखूं, उसका कर्ब भी लिखूं, उसकी आह भी लिखूं, और उसकी ज़ात पे उठते हुए वो सभी अल्फाज लिखूं जिन्हें सुनकर वो किसी के सामने रो भी नहीं सकता और चुपचाप सह जाता है।